डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आपका काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें से आपके दो क्वेश्चंस तो मोस्ट प्रोबेबली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके किस टाइप के आते हैं, लाइक कि कोई भी आपको डाटा दे दिया देन आपसे वर्क पूछ लेता है, ठीक है, या फिर आपसे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करवा ली, एंट्रोपी कैलकुलेट करवा ली, गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कि बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए है, ठीक है। तो आज पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीजें हैं आपकी, ठीक है, और कौन कौन से आपके फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता ही है, सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। मतलब आइसोथर्मल का मतलब सिंपल सा है, जहाँ पे आपकी जो हीट है वो चेंज नहीं हो रही, या फिर मैं बोलूं कि जो आपका टेम्परेचर है वो इस प्रोसेस में चेंज नहीं होता, उसको हम सेम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं तो वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। या फिर इसी तरीके से आपकी आइसोबारिक या फिर आइसोचौरिक जो प्रोसेस होती है उनकी बात करें। आइसोबारिक देखिए आप यहाँ पे तो इस नाम से ही समझ जाइए बारिक। आइसो का मतलब होता है सेम, बार बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि वहां पे जो आपका प्रेशर है वो उस केस में क्या है, आपका सेम। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए आइसोचौरिक प्रोसेस है, आइसो मतलब सेम और इस केस में चौरिक का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम, की जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है इस केस में सेम है। और जो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पे सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में कोई भी आपका जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होता, सिस्टम सराउंडिंग में कोई भी जब हीट एक्सचेंज नहीं होती तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सिंपली जैसे आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे बोल सकते हो कि जो आपका डी क्यू है, चेंज इन हीट या फिर चेंज इन एनर्जी, वो क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उनको हम जो आपका इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो हम कैरी आउट करते हैं उस रिएक्शन में, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उनमें मतलब रैपिडली आपके जो स्टेप्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, रिवर्स का बिल्कुल अपोजिट होती है रिएक्शन, ठीक है। देन आपकी दो मेन क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको तीन चार क्वांटिटीज दे दी एंड उनमें से पूछ लेगा कि स्टेट फंक्शन कौन सा है, ठीक है, या फिर आपका पाथ फंक्शन कौन सा है। तो देखिए स्टेट फंक्शन का सीधा सा मतलब है वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो इनिशियल और जो आपकी फाइनल स्टेट है उस पर डिपेंड करती है, और कौन सा पाथ आपने फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। मतलब ये ए है और बी है, ठीक है, आपको ए से बी जाना है, ठीक है। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं, आप इससे डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर बीच में कोई एक और स्टेशन आता है आप वहां से होते हुए बी जा सकते हैं। तो ये पाथ आपने कौन सा फॉलो किया उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस मतलब ये है कि आप ए से बी पोजीशन पे चले गए ना। तो ये जो चीज होती है ये होता है स्टेट फंक्शन, जिनको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। पाथ आपने क्या फॉलो किया, कौन से रास्ते से गए, आप पैदल गए, गाड़ी में गए, कैसे गए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन वो होते हैं, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है पाथ फंक्शन, उसका मतलब ही इससे है कि आप गए कैसे। अगर आप गाड़ी से गए तो गाड़ी से क्यों गए, साइकिल से गए तो साइकिल से कैसे गए, तो मतलब इसने पूरा आपके पाथ को ही फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे सिर्फ बस आपको ज्यादा नहीं याद रखना, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि पाथ फंक्शन कौन से होते हैं। तो जो आपका वर्क एंड हीट, वर्क और हीट जो है ये दोनों आपके पाथ फंक्शन होते हैं, और बाकी जितनी भी थर्मोडायनेमिक आपकी क्वांटिटीज हैं वो सारी के सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, आपका स्टेट फंक्शन होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेन दो तीन चीजें पढ़ते हैं हम, जैसे अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही बात करूं, किसकी बात की जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर इसके स्टेटमेंट की बात की जाए तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कहता है कि जो आपकी एनर्जी है ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। या दूसरी स्टेटमेंट्स में आप कह सकते हो कि जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है आपकी वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। यूनिवर्स में आपकी एनर्जी एक बार जो है वही रहेगी, कम ज्यादा वो सब नहीं होता उस केस में, ठीक है।
मैथमेटिकली अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब आपका क्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर कब डब्ल्यू पॉजिटिव होगा कब डब्ल्यू नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पे कि जो आपके कंडीशंस हैं वो किस टाइप की है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है मतलब ये आपका रिएक्टेंट है और इससे आपका कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रखी है। ठीक है, एंड जब आपसे ये बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, जो कि हम मोस्टली थर्मोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो क्या होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है माइनस में जो भी आपके रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है, ये क्या हो जाता है आपका उस रिएक्शन के लिए इंटरनल एनर्जी। और जो आपके इंटरनल एनर्जी है ये आपका एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, देन आता है आपका वर्क। ठीक है, तो देखिए जो वर्क का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, वर्क होता है आपका पी डीवी। अब कई बच्चे ना इस वर्क को हमेशा ही यही याद रखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है क्या आपका माइनस पी डीवी, बट ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से सिचुएशन कंसिडर किया या क्वेश्चन में आपको क्या सिचुएशन दी है, उसी केस में तो आप सोचोगे ना कि वर्क आपका पॉजिटिव होगा या फिर आपका वर्क नेगेटिव होगा। अब कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, अब देखिए अगर आपका वर्क डन, मैं बात कर रही हूं अगर आपने वर्क डन किस पे किया है, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो आपका वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस केस में, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, सिंपली मैं बोल वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जैसा वर्ड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उस केस में आप बोलेंगे कि वर्क डन आपका पॉजिटिव है। बट अगर आपका वर्क बाय द सिस्टम मतलब जो आपका सिस्टम है उसके द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो अब आप कहेंगे मैम सिस्टम के द्वारा कब वर्क किया जाएगा। मान लीजिए आपका कोई भी कंटेनर है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है, सिस्टम ने वर्क करके इस पिस्टन को क्या किया, बाहर की तरफ धकेला, तो यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है इस पिस्टन के ऊपर, तो ये क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है। या फिर दूसरा केस आप इसको बोल सकते हैं क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और इन दोनों के केस में आपका वर्क डन क्या होता है, आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे वर्क है पी डीवी, बट एक्सपेंशन के केस में जो आपका वर्क है वो होता है माइनस पी डीवी। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे हीट की, कि जो आपका हीट है वो कब पॉजिटिव या फिर कब नेगेटिव होगा। तो अगर आपका जो क्यू है हीट, अगर आपने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तब तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर आप हीट को इवॉल्व कर रहे हैं तो आपकी हीट क्या हो जाएगी, उस केस में नेगेटिव हो जाती है। देन यहीं से एक चीज और बता रही हूँ मैं आपको कि आपको मतलब ये चीज पता होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन जो बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में आती है और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला तो मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल याद होना चाहिए। वो है आपका कि जो डेल्टा एच है एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर आप इसी चीज को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये जो एन जी है, सॉरी एनजी का मतलब यहाँ पर ये है कि एन तो आपको सिंपली पता है क्या होता है, आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और आपको सिर्फ गैशियस स्टेट में जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है या जितने भी कंपाउंड्स हैं एलिमेंट्स हैं उन्हीं के चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मतलब अगर आपकी कोई रिएक्शन है तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के हैं, माइनस में कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैशियस स्टेट में है, वो डिफरेंस होता है आपका डेल्टा एनजी आर टी। ओके, उसके बाद कई बार आपको डेल्टा यू ना देते हुए क्वेश्चन में डेल्टा ई दे देता है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू या फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद कई बार आप लोगों से क्वेश्चन क्या आ जाता है कि देखिए मान लीजिए आपको कंडीशन दे दी कि जो आपका वॉल्यूम है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में बोल रहा है कि आपका जो एंथैल्पी है और आपका जो क्यू है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है आप बात कर रहे हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डब्ल्यू क्या होता है, पी डीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डीवी आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपकी हीट है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, और जबकि कांस्टेंट प्रेशर में ये आपकी एंथैल्पी के बराबर हो जाता है। देखिए ये दोनों जो फॉर्मूला मतलब मैं चीजें आपको बता रही हूँ, ये आप जब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी ये दोनों फॉर्मूलाज आप पढ़ते हैं कि जब हीट कैपेसिटी की अगर जब बात की जाती है, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी है आपकी सी,
इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी क्यू बाई डी टी, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी स्पेसिफिक हीट। और अगर वहीं पे हम स्पेसिफिक हीट की भी दो कंडीशंस पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक पढ़ते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे। जब आप यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो मतलब सी वी ये क्या होगा आपका डी क्यू वी बाय डी टी, और अभी मैंने बोला क्यू वी आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, तो आप इसको डी यू बाय डी टी लिख देंगे। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो ये सिंपली आपका डी एच बाय डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब कभी आपसे सीपी या सीवी में कोई रिलेशन पूछ ले कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए आपका जो सीपी है दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर होता है, और एक आपका सीपी बाय सीवी क्या होता है गामा के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो गामा है इसको हम पॉइजनस रेशियो बोलते हैं। ओके, अब कई बार क्या होता है कि जो गामा की वैल्यू है हमें सीपी बाय सीवी ये भी कैलकुलेट करनी होती है, तो ये कैलकुलेट करनी हमें आनी चाहिए। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम थर्मो केमिस्ट्री के क्वेश्चन से मेरा मतलब है जब कभी आपसे बोल दे कोई रिएक्शन है कि आप इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालिए, ठीक, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इनमें हमेशा हमने क्या देखा है कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में समेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपके इंटरनल एनर्जी में भी बताया। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला आप बस याद रखिए जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होता, वो होता है अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब निकाल रहे हो और आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज जब दे रखी है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, वहां पे आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आप पहले रिएक्टेंट की जो बॉन्ड एनर्जी है उनको आप माइनस करोगे किसमें से, जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है किसकी, प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी को प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी में से यहाँ पे माइनस करना होता है। और जो आपके रिएक्शंस होती हैं आप पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और जो भी स्टोक्योमेट्री होती है वो स्टोक्योमेट्री क्या होती है आपकी वहाँ पे मल्टीप्लाई भी होती है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्या है फॉर्मूलाज तो मैं चाहे आपको जितने भी बता दूं बट जब तक हम उन फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं करना सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक फॉर्मूलाज रटने का भी कोई फायदा नहीं है। कई बच्चों को फॉर्मूलाज तो आते हैं बट क्वेश्चन पे अप्लाई करना नहीं आता। तो अब हम हर टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दी है जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है वो है आपका 35.5 किलो जूल मोल इनवर्स। एक चीज और कि आपको यहाँ पे यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है कि आपको जूल दे रखा है या किलो जूल दे रखा है, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेंगी। एंड डेल्टा एस दे रखा है 83.6 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखिए जो चीज मैं अभी बोल रही थी ना वही इस क्वेश्चन में आ गया, डेल्टा एच आपका किलो जूल में है जबकि डेल्टा एस आपका जूल में है। देन कह रहे हैं द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, बट ये रिएक्शन आपकी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और आपको ये अज्यूम करना है कि जो डेल्टा एच और डेल्टा एस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। तो आपको टेम्परेचर बताना है कि किस टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन होती है सबसे फेमस इक्वेशन, और ये सभी बच्चों को ही ये पता होता है आपका गिब्स हेल्मोट इक्वेशन, दैट इज कि जो आपका डेल्टा जी है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन हम सभी को पता है। अब यहाँ पे अगर आपके रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए हम ये भी जानते हैं कि जो आपका डेल्टा एच है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी जो है ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इस टर्म को आपको नेगेटिव रखना है तो हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये टर्म भी नेगेटिव है तो ईजीली आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और स्पॉन्टेनिटी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए ये तो कॉमन सी चीज हुई, हमें ये पता चल गया डेल्टा जी जो कि हमें नहीं दे रखा, बट हमें पता है कि उसकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो। आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, स्पॉन्टेनियस तभी तो होगी ना जब आपका डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग इसको लेस देन जीरो लेकर ही चलते हैं इस इक्वेशन को। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करती हूँ, हमें लेस देन जीरो चाहिए, राइट, जीरो भी नहीं चाहिए होता, तो अगर मान लीजिए अगर आप इस डेल्टा जी को जीरो पुट कर दें
उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या आएगा आप वो कैलकुलेट कर लो। जो भी टेम्परेचर आपका डेल्टा जी की वैल्यू जीरो पे आता है तो मतलब ये है कि हमें उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जब हमारा डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा जी की वैल्यू को रखा जीरो और ये आ गया आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जब इस इक्वेशन से अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो इट्स सिंपल कि आपको डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एच दे रखा है हमें 35.5, बट ये आपका किसमें है, किलो जूल में है, और नीचे वाला जूल में है डेल्टा एस की वैल्यू। तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 83.6 जूल। दोनों वैल्यूज आ गई, इनको जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर आ रहा है 425 केल्विन। अब ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि अगर आपके टेम्परेचर की वैल्यू 425 केल्विन है या 425 केल्विन है यहाँ पर, तो उस केस में आपका डेल्टा जी जीरो आ रहा है, बट मुझे तो इसको नेगेटिव करना है। अगर आपको इसको नेगेटिव करना है तो आप इस टेम्परेचर को इस वैल्यू से 425 केल्विन से भी क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है टी डेल्टा एस की क्या होती जाएगी, नेगेटिव, और ये नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच में एड ऑन होते हुए जाएगी और आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, और ज्यादा, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव होती हुई चली जाएगी। तो मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है यहाँ पे इस केस में वो क्या होना चाहिए, 425 केल्विन से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जब देखेंगे तो जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, कह रहे कि आपकी एक गैस है उसको हमने अलाउ किया एक्सपेंड करने के लिए। अब ये चीज ध्यान रखना, गैस क्या कर रही है आपकी, एक्सपेंड कर रही है इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर में आपकी जो गैस है वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है, मैं बात करती हूँ पी एक्सटर्नल की, जो कि है आपका 2.5 एटमॉस्फेयर। और एक और चीज ध्यान देनी है कि आपका कैसे हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम आपका एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 एटीएम है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर। अब हमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी दे रखी है, तो V1 है आपका 2.5 लीटर और यहाँ पे V2 कितना है आपका 4.5 लीटर। अब इस केस में आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स विल बी। आपको यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इंटरनल एनर्जी इस केस में आपकी क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फॉर्मूला क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। अब डेल्टा यू को हमें कैलकुलेट करना है, वर्क की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है वर्क का एक और फॉर्मूला है हमारा जिसको हम लिख देते हैं पी डी वी। क्या ये साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, तो ये क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो वर्क भी मुझे पता चल गया यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल होता है ये एंड डी वी, ये प्रेशर जो है ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ठीक है, वर्क भी निकाल लिया बट मुझे क्यू तो पता ही नहीं, और मुझे क्यू नहीं पता तो मैं इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूंगी। बट आपने अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि जो आपकी गैस है वो एक्सपेंड हो रही है इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। अब इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये ऐसा कंटेनर होता है जिसमें से जो आपकी हीट है वो लॉस नहीं होती। ठीक है, लाइक जैसे आपकी थर्मस वगैरह होती है उनमें से फिर भी कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कोई गर्म चीज डाली है आपने तो काफी टाइम बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होती है, बट एग्जैक्ट इंसुलेटेड कंटेनर्स आपके वो होते हैं जिनमें हीट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस बताई थी तो उसी का केस है यहाँ पे, इन्होंने एडियाबैटिक प्रोसेस ना बोलते हुए बोला इंसुलेटेड कंटेनर है, तो यहाँ पे हीट जो है वो आपकी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रही, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो क्यू है इस केस में
वो क्या जाएगा आपका जीरो। तो अगर क्यू जीरो आ गया तो सिंपली आप बोलोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू को मैं बोल रही हूँ पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। अब पी एक्सटर्नल हमें कितना दे रखा है 2.5 एटमोसफेयर, तो ये हो गया 2.5। अब जो आपका वॉल्यूम है वो क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं तो आप वी टू माइनस वी वन लिखेंगे। वी टू कितना है आपका 4.5, माइनस वी वन है आपका 2.5, राइट। और ये क्या है आपका 2.5 एटमोसफेयर है यहाँ पे। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे 4.5 माइनस में 2.5 तो ये आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 2.5 इंटू में 2, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया आपका माइनस 5। अब जो आपका माइनस 5 आया है, अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो देखिए प्रेशर क्या था आपका एटमॉस्फेयर में था यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 5 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम थी आपकी लीटर में, तो ये एटमॉस्फेयर लीटर में आपका आंसर आया है। बट इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट तो हमें पता है क्या होती है आपकी जूल होती है, तो यहाँ पे हमें जूल में आंसर चाहिए। अब जूल में अगर आपको आंसर लेकर आके आना है तो आपको क्या करना है, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर जो है ये आपका इक्वल होता है 101.3 जूल के। तो अगर आपको इसको किस में लेकर के आना है, जूल में लेके आना है, तो सिंपली आप इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5 इंटू में 101.3, राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ रहा है आपका 506.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 506.5 जूल। तो यहाँ पे आपका वर्क कितना आ गया, ये आ गया, पर ये कैसा वर्क आया है आपका, नेगेटिव है साइन, तो ये भी ध्यान रखना। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, डी ऑप्शन आपका पॉजिटिव साइन है ये भी मैच नहीं हो रहा, ये 500 है ये भी मैच नहीं होगा। तो 505 जो है ये हमारे आंसर से अप्रोक्स है बिल्कुल ही, तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इस केस में आपका राइट आंसर। चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। देखिए कैटलिस्ट का क्या काम होता है, आपकी जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो हम करते क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि वहां पे आपका एक कैटलिस्ट ऐड होता है। अब जैसे कि जो आपकी अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका, आपने डाला N2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या बनता है आपका अमोनिया। बैलेंसिंग करूं तो इस टाइप से ही आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस, इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इस रिएक्शन में भी हम एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं और इसमें जो कैटलिस्ट आपका यूज होता है वो होता है आपका Fe, आयरन। आयरन को आपने एज अ कैटलिस्ट यूज किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो आपका कैटलिस्ट है वो यहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है। देखिए कैटलिस्ट जो भी आप रिएक्शन में डालते हो ये कभी भी आपका जो रिएक्शन में बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप से आपका नॉन रिएक्टिंग स्पीशी होता है, यहाँ किसी के साथ भी रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता, ना ही कंज्यूम होता, ये आपका कंज्यूम भी नहीं होता। जितना आपने इसको रिएक्शन में डाला है ये वापस आपको रिएक्शन में मिल जाता है, उतना ही रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जितना आपने आयरन डाला वो दोबारा मिल जाएगा, कंज्यूम भी नहीं हो रहा ये आपका रिएक्शन में। तो फिर ये कैटलिस्ट करता क्या है, इसका काम क्या है, ना रिएक्शन में कंज्यूम हुआ ना किसी के साथ रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बना रहा है, तो कर क्या रहा है ये रिएक्शन में, फिर हम इसको ऐड ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए जो कैटलिस्ट का काम होता है, आपको पता है कि हमारी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि स्लो होती हैं, तो कैटलिस्ट ऐड करने से उन रिएक्शन का जो रेट है, हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन या बोलूं कि टाइम के साथ उन रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज अप होती हुई चली जाती है, ठीक है। मान लो कोई एक ऐसे रिएक्शन दिए जिसको कंप्लीट होने में ही, मतलब या फिर बोलूं 90% कंप्लीट होने में ही वो आपके 5 ईयर्स लगा रही थी, बट मैंने उसमें एक कैटलिस्ट डाल दिया और अब वही रिएक्शन आपकी 1 डे में कंप्लीट हो रही है, या फिर कितने भी मतलब उससे कम इंटरवल टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो ये रोल होता है आपके कैटलिस्ट का। अब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करता है, अगर इस चीज की बात की जाए तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे आपके, ये इस टाइप से आपका ग्राफ होता है, तो यहाँ पे कहीं आपका क्या होता है रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट है। अब कोई भी रिएक्शन में जैसे यहाँ पे ही आपका नाइट्रोजन था,
ये नाइट्रोजन ब्रेक होकर के अमोनिया फॉर्म किया इसने। तो अमोनिया को क्यों फॉर्म किया? क्योंकि अमोनिया आपका स्टेबल था इसलिए वो फॉर्म हो गया, इसीलिए आपके जो रिएक्टेंट थे वो रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। और हमें पता है कि जो हमारे स्टेबल कंपाउंड होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? कम। तो ये जो आपकी एक्सिस है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्योंकि आपका ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो मतलब ये इसे कहीं कम पे लाया करेगा रिएक्टेंट की एनर्जी से। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये है आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की टाइम के साथ आपकी रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रही है। अब क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्वियस है, पहले आपको इन नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपके उनको बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो आपको इन मॉलिक्यूल्स को क्या देनी पड़ेगी? एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस टाइप से आपके मॉलिक्यूल्स एक हाई पीक पे जाकर के एनर्जी कंज्यूम करते हैं, देन वापस डिक्रीज होते हुए प्रोडक्ट की आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो ये एनर्जी है ये आपकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसकी इन्हें नीड होती है, मतलब जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कि वो आपके उनके बीच में इंटरेक्शन हो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। कैटलिस्ट ऐड करने के बाद जो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये ग्राफ अब आपका कहीं इस टाइप से हो जाएगा। मतलब अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को पहले इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, अब उनको सिर्फ इतनी ही एनर्जी चाहिए, एनर्जी में डिक्रीज हो गया, तो ये एनर्जी वो जल्दी अटेन करके और जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है या फिर कहीं इनका जो नया पाथ है उसके लिए इनको कम एनर्जी की जरूरत है। तो जब कैटलिस्ट को ऐड करते हैं उस टाइम पे चेंज क्या हो रही है? आपके एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी या इंटरनल एनर्जी। देखिए एंट्रोपी तो क्या होती है? रैंडमनेस होती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप कैटलिस्ट ऐड करो या फिर कुछ भी मॉलिक्यूल्स में, जो रैंडमनेस है वो तो आपकी एज इट इज ही रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि आपको बताना है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स इज। कह रहे कि सभी टेम्परेचर्स पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन सी थर्मोडायनेमिक कंडीशंस करेक्ट है। तो इसके लिए हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब उसका जो डेल्टा जी है या फिर मैं कहूँ गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, या फिर आप बोलो कि जो डेल्टा जी है वो आपका लेस देन क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जीरो होना चाहिए। और गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर पे कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि टेम्परेचर कह रहा है कि हर एक टेम्परेचर पे मुझे डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए जो पहली कंडीशन है ये क्या कह रहा है कि जो डेल्टा एच है वो है आपका ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि ये टर्म हो गई हमारी पॉजिटिव। ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो मतलब ये प्लस, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो आपका डेल्टा एस है ये है लेस देन जीरो, मतलब ये है आपका नेगेटिव। ये नेगेटिव है, बीच में साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में तो आपका डेल्टा जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, बट हमें तो नेगेटिव चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। कह रहा है कि डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब अभी आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, और जो डेल्टा एस है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये टर्म आपकी पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एस पॉजिटिव है, बाकी पूरी टर्म तो ये आपकी नेगेटिव है ना, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है, तो मतलब नेगेटिव और फिर बीच में भी नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटीज को ऐड करेंगे उनका सम तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, और हमें डेल्टा जी नेगेटिव ही तो चाहिए, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, बट कह रहा है कि जो आपका डेल्टा एस दैट इज लेस देन जीरो, मतलब ये क्या है आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव है, तो ये टेम्परेचर के बीच जो साइन है बीच में वो भी नेगेटिव है, वो इस टर्म को क्या बनाएगा? पॉजिटिव। मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो अब इस केस में जब आपका ये क्वांटिटी आपकी बड़ी होगी सिर्फ तभी हमें डेल्टा जी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। मतलब सभी टेम्परेचर्स के लिए ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो सकती, तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट।
उसके बाद बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। कह रहा है कि डेल्टा एच जो है वो जीरो, मतलब सॉरी लेस देन जीरो है, तो डेल्टा एच है आपका नेगेटिव। और कह रहे हैं डेल्टा एस तो जीरो हो गया, ये हो गया जीरो, मतलब ये पूरी टर्म टीडीएस वाली टर्म ही जीरो हो गई, और डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, तो इस केस में भी आपका डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो डी ऑप्शन है वो भी आपका राइट आंसर है। अब इस केस में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, क्योंकि सभी ने ये कंडीशंस याद की हुई है कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब आपका जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो, और जो आपका डेल्टा एच है वो आपका लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो बच्चों ने देखते ही कोई ऑप्शन नहीं देखा और सीधा बी ऑप्शन पर टिक करके आगे मूव कर गए। बट अगर आपको कभी डेल्टा एस जीरो दे रखा है तो उस कंडीशन में भी आपका जो स्पॉन्टेनिटी है, रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि वहां पे जो आपका डेल्टा जी है वो क्या आ रहा है, वहां पे नेगेटिव आ रहा है। चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस, आपका एक सैंपल है परफेक्ट गैस का, व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली, इसका जो प्रेशर है वो आइसोथर्मली चेंज हो रहा है, मतलब जो आपका चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो है, या फिर कहें कि जो आपका टी इनिशियल है वो आपका टी फाइनल, या फिर आपका जो टी वन है वो टी टू के इक्वल है, तभी तो चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो होगा। एंड फ्रॉम आपका प्रेशर जो है पी वन, पी इनिशियल से पी फाइनल चेंज हो रहा है, तो इस केस में आपको एंट्रोपी चेंज बताना है। तो देखिए जो आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम याद रखते हैं, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन, ये होता है आपका वी टू बाय वी वन, राइट, ये आपका वॉल्यूम्स के टर्म में होता है। अब अगर आपको इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू बाय पी वन, कुछ इसको पी टू बाय पी वन के टर्म्स में याद रखते हैं, या फिर कुछ लोग इसको क्या करते हैं इन्वर्स करके प्लस भी कर देते हैं, एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू, इट्स अप टू यू कि आपने इस फॉर्मूले को कैसे याद किया हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में या प्रेशर के टर्म्स में जो भी आपको सिचुएशन दे रखी है उस अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर के लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका जो टी वन बाय टी टू है वो क्या है आपका इक्वल, तो आपको पता है लॉग में जब आप टी टू बाय टी वन रखेंगे तो डिवाइड अप क्या हो जाएगा आपका वन, और एल एन वन क्या होता है, चाहे वो आपका एल एन वन हो या फिर आपका नेचुरल लॉग जो 10 बेस होता है वो 1 हो, दोनों की ही वैल्यूज क्या होती हैं आपकी जीरो वैल्यूज होती हैं। तो मतलब ये टर्म तो आपकी चली गई, जीरो हो गई। बात की उन्होंने प्रेशर की, तो मतलब प्रेशर तो हमारा यहाँ से आ रहा है ना इन दोनों में से, तो आप लिख सकते हैं या तो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, अब देखिए किसी भी ऑप्शन में मुझे नेगेटिव साइन नहीं दे रखा तो मैं इस वाले फॉर्मूला को यूज कर लेती हूँ, तो ये टर्म पूरी आपकी जीरो हो गई, तो ये क्या बचा आपका एन आर ln p1 by p2, और क्योंकि यहाँ पे मुझे इनिशियल और फाइनल की टर्म्स में दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूँ nr ln p initial divided by p final। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हमें इस टाइप से फॉर्मूला दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे तो p final है, पहले यहाँ पर भी p final है और यहाँ पे टेम्परेचर भी दे दिया तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका आर टी दे दिया, ये भी गलत है, एन आर एल एन पी आई बाई पी एफ, तो जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हीट ऑफ कंबशन है ऑफ कार्बन टू सीओ टू, मतलब कार्बन का हीट ऑफ कंबशन कर रहे हैं हम, सीओ टू फॉर्म हो रही है वो इतना है, तो मतलब कार्बन प्लस ओ टू इट गिव्स हमें क्या दे रहा है, सीओ टू गैस दे रहा है, तो जो इसका हीट ऑफ कंबशन है या फिर कहें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यह है आपका -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो आपकी एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है ये हमेशा 1 मोल के लिए होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल ही बने, उसी के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो या फिर ये कह सकते हैं कि जब आपका 1 मोल CO2 जब फॉर्म हो रहा है तो उस टाइम पे आपकी इतनी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ये आपके 1 मोल के लिए -393.5 किलो जूल
मोल इनवर्स हीट या फिर एनर्जी क्या हुई है आपकी, रिलीज हुई है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसलिए आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके देन उसके बाद कह रहा है कि द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज, कह रहा है कि अगर हमारा 35.2 ग्राम अगर CO2 है तो उस टाइम पे कितना रिलीज होगा हीट का ये बताना है. तो सिंपल 1 मोल CO2 पे इतनी हीट रिलीज हो रही है और 1 मोल का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल देख लीजिए. तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 16 इंटू 2, तो ये आता है आपका 44 ग्राम. तो 1 मोल मतलब 44 ग्राम से जब आपकी -393.5 हीट रिलीज हुई है तो आपको निकालना है 35.2 ग्राम पे, राइट. तो सिंपली है -393.5 डिवाइडेड बाय 44 इंटू में 35.2 ग्राम, राइट. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है आपका -315 किलो जूल मोल इनवर्स. ये क्या हो जाएगी आपकी हीट आ जाएगी. तो जब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे ऑप्शंस में तो देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है. जो डी ऑप्शन है यहाँ पे 3.15 लिखा हुआ है, ये क्या है यहाँ पे आपका पॉइंट, तो इसलिए ये आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. तो जो ए ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो देखिए आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे. नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम उसके और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे डिफरेंट फॉर्मूलाज के बेसिस पे कि किस टाइप के आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.